इंग्री चावल इतने हाय दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त फिरोज और आज आपको बड़े अफसोस के साथ कहना चाहता हूं मैं, ये जो आप देख रहे डॉगी, इसका नाम हमने लिली रखा था दोस्तों। तकरीबन ये मुझे 3-3.5 महीने पहले इसी एरिया में जो वन परिक्षेत्र वनदेव निसर्ग पर्यटक, यहाँ पर काफी बारीक बच्चा था, तब से इसे मैंने काफी देखभाल किया। तकरीबन इसे 2-3 महीने से मैं लगातार सुबह शाम इसका खाने पीने का ख्याल करता था। कल अचानक से हमारी लिली की काफी तबीयत में बिगाड़ हो चुका था, तड़प रही थी, तभी हमने पशु वैद्यकीय हॉस्पिटल के डॉक्टर पालवे साहब से कॉल किया। उन्होंने हमें तुरंत डॉक्टरों की टीम भेज के इलाज के लिए डॉक्टर भेजे थे। कल हमने बाकायदा इस लिली को इंजेक्शन दिया और इसका काफी ख्याल किया, लेकिन दोस्तों शायद डॉक्टर का कहना है इसे कुछ विष बांधा हुई, शायद स्नेक बाइट किया या कुछ होने के कारण इसे विष बांधा हुई। इसलिए दोस्तों रात के तकरीबन मैं 8:30-9 बजे तक आकर देखने के बाद मेरे दोस्त किरण गायकवाड़ भी साथ थे, हम लोग तो रात के 8:30-9 बजे जाने के बाद ठीक ठाक थे, लेकिन आज जब सुबह देखा तो इस लिली की डेथ हो चुकी है। तो दोस्तों हम सर्प मित्र होने के बावजूद और कई जीवों को जीवन दान देने में सफलता कामयाब करती है, लेकिन दोस्तों इस बार हमारी इस प्यारी सी लिली को हम बचा ना पाए, क्योंकि दोस्तों शायद इसका मुकद्दर ऊपर वाले ने इतना ही रखा था, तो इसे अभी हम फौरन दफनाएंगे, क्योंकि दोस्तों अगर इसे ऐसी हालत में अगर छोड़ दिया जाए तो काफी बदबू होंगी और काफी आने जाने वाले लोगों को परेशानी होगी। तो दोस्तों इसे अभी हम दफनाएंगे।
दोस्तों इस लीले को हम अपने करीबी उन परिक्षेत्र में गड्ढा लेकर इसे अपन अपना रहे, क्योंकि इसे आने जाने वाले जो इंसानों को सामना ना करना पड़े। हेलो वर्क दोस्तों, हम भी ऊपर वाले से ही चाहते हैं कि जब तक हम इस दुनिया में सांस लेते रहेंगे, ऊपर वाला हमसे ऐसे बेजुबानों के लिए मदद के लिए, उनकी देखभाल के लिए हमसे काम लिए। यही मैं ऊपर वाले से दुआ करता हूँ, क्योंकि दोस्तों जितने भी बेजुबान जीव है ये पर्यावरण में पूरी तरह सुरक्षित रहे, ये हम इंसानों का काम है। लेकिन इंसान अपनी जिम्मेदारी को भूल चुका है दुनिया के इस माहौल में भाग दौड़ जिंदगी में। क्योंकि दोस्तों इस लीली को तकरीबन 3 महीने से इस लीली का और मेरा आपस में जो दोस्ताना था, मोहब्बत था, ये आपको मैं अपने जबान से कितना भी कहूँ तो कम है। क्योंकि दोस्तों वैसे तो मैं कुत्ते से काफ़ी डर लगता था, लेकिन इस लीली को जब छोटे बच्चा था तब से मैं इस पहाड़ों पे इसे देख रहा था। इसे थोड़ा खाना पीना और थोड़ी मोहब्बत, थोड़ी इंसानियत दिखाई तो काफ़ी घुल मिल चुका था वो हमसे। आज इसके जाने से